ये सुभाष नगर मेट्रो पे पाइप गिर गया ऊपर से। ये ऐसे ही घटना है जैसे अभी पीछे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पे देखने को मिली थी। ये इतना भारी इतना हैवी लोहे का पाइप ऊपर मेट्रो स्टेशन के ऊपर से नीचे गिरा है, इस वजह से ये गाड़ी पे आके गिरा और साथ में स्कूटी का भी एक्सीडेंट हो गया। स्कूटी पे जो बंदा था उसकी हालत बहुत गंभीर है। ये सुभाष नगर मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने ये पाइप गिरा है ऊपर से, बहुत हैवी लोहे का पाइप गिरा है। दिल्ली मेट्रो का एक के बाद एक घटना देखने को मिल रही है। हाल ही में दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से जो वाकया सामने आया था उसने सभी को डरा के रख दिया था। ऐसे में दिल्ली के सुभाष नगर से ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुधवार को ये मामला सामने आया है। एक बार फिर से ये मेट्रो की जो सुरक्षा है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, आज की इस खबर में बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़तर्रार में। दरअसल बुधवार की शाम फिर से कुछ ऐसा हुआ जो कि दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन में हुआ था। यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन से एक लोहे की पाइप गिर जाती है। ये एक महिला के ऊपर गिरती है जो कि स्कूटी पर कहीं जा रही थी और स्कूटी सवार महिला घायल हो जाती है। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो महिला की स्कूटी है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके अलावा फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि वो पाइप गिरने का कोई वीडियो हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन जो लोग उस पाइप को उठा रहे हैं, वहाँ से एक सफ़ेद कलर का पाइप है, वो वीडियो ज़रूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप एक बार इस वीडियो पर एक नज़र डालिए। ये सुभाष नगर मेट्रो पे पाइप गिर गया ऊपर से। ये ऐसे ही घटना है जैसे अभी पीछे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पे देखने को मिली थी। ये इतना भारी इतना हैवी लोहे का पाइप ऊपर मेट्रो स्टेशन के ऊपर से नीचे गिरा है, इस वजह से ये गाड़ी पे आके गिरा और साथ में स्कूटी का भी एक्सीडेंट हो गया। स्कूटी पे जो बंदा था उसकी हालत बहुत गंभीर है। ये सुभाष नगर मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने ये पाइप गिरा है ऊपर से, बहुत हैवी लोहे का पाइप गिरा है। ये दिल्ली मेट्रो का एक के बाद एक घटना देखने को मिल रही है। देखिए, ये लगातार अपने आप में हैरानी का सबब है कि अभी महज 8 दिन ही गुजरे हैं गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन में हुई घटना के, और उसके बाद तुरंत सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एक मामला सामने आया जहां पर मेट्रो स्टेशन के बाहर ये जो पाइप था मेटल का वो यहां पर गिर जाता है एक महिला के ऊपर। इस महिला की उम्र लगभग 26 साल बताई जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर DCP वेस्ट विचित्र वीर ने ये कहा है कि महिला ने बयान दे दिया है और जो ज़रूरी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। हालांकि जो फिलहाल महिला किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई इस मामले में नहीं चाहती, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या महिला कोई कानूनी एक्शन लेना चाहेगी या फिर नहीं। लेकिन लगातार ऐसे दो मामले सामने आना और महज 8 दिन के भीतर ऐसे दो मामले सामने आना, गोकुलपुरी में जो हुआ था वो आपने देखा था किस तरह से 5 लोग उसमें घायल हुए थे जिनमें से आगे जाकर एक की मौत हो गई थी और 4 लगातार घायल बताए जा रहे थे। इसके अलावा फिर DMRC की तरफ से उस मामले में मुआवजे का भी ऐलान किया गया। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या DMRC की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आता है। लेकिन आप लोग खुद सोचें कि यहाँ पर एक महिला जा रही थी, तकरीबन शाम की बात बताई जा रही है, 5:30 बजे बुधवार का ये पूरा वाक्य बताया जा रहा है, जब एक स्कूटी सवार महिला के ऊपर ये मेटल का पाइप गिर जाता है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर ये वीडियो दिखाते हैं, आप देखिए कि कितना भारी ये पाइप है, महिला के ऊपर गिरा है। महिला का फिलहाल पास के ही एक अस्पताल में इलाज जारी है और इसके अलावा जो उसकी स्कूटी थी जैसा कि मैंने बताया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे जो लोग आसपास मौजूद हैं वो किस तरह से महिला की मदद करते नजर आ रहे हैं, उस पाइप को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगातार 8 दिन में ऐसी 2 घटनाएं सामने आना, गोकुलपुरी में जो हुआ वो बेहद ही ज़्यादा दर्दनाक था। किस तरह से वहाँ पर 5 लोग जो है खतरे में आ जाते हैं जिनमें से एक की मौत भी हो जाती है, और 8 दिन के भीतर फिर से एक ऐसा मामला सामने आना कि मेट्रो स्टेशन से एक पाइप गिर जाता है और एक महिला को घायल कर देता है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है सीधे तौर पर ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज़तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।